नमस्कार, सीसीएन न्यूज 24 चैनल देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, मैं दिनेश गर्ग इस समय मौजूद हूँ वार्ड 25 के C2 के पार्क में। एक बार मैं आपको यहाँ पर पार्क का जो है नजरिया दिखा दूँ। इस समय पार्क की हालात क्या है, जगह जगह यहाँ पर पत्ते पड़े हैं, गंदगी है और बेंच यहाँ पर जो है टूटे हैं। और हालांकि यहाँ पर जो जिम लगाया गया था उसकी भी हालत इस समय बद से बदतर हो चुकी है। सर्दी का जो है मौसम है, मौसम में बेशक सर्दी है लेकिन चुनाव की गर्मा गर्मी इस समय बहुत ज़्यादा है। मेरे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी हैं गुरदीप दत्ता जी आने वाले चुनाव के लिए, और विधायक प्रतिनिधि भी हैं। विधायक प्रतिनिधि है वार्ड जी, वार्ड 25 से। अभी एक कहावत थी कि ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में, और यही यहाँ पर कहावत जो है सिद्ध होती दिखाई दे रही है, क्योंकि काम किसी और का करवाने कोई और आया है। काम है यहाँ पर निगम पार्षद संदीप कनिका जैन का, और जो कि यहाँ पर निगम पार्षद हैं, और यहाँ पर आम आदमी पार्टी के जो विधायक प्रतिनिधि हैं गुरदीप दत्ता, वो मेरे साथ इस समय मौजूद हैं। उनका ये दावा है कि हम क्षेत्र में जो है सफाई का जिम्मा भी लेंगे और क्षेत्र में काम निरंतर कराएंगे। यहाँ पर काफ़ी समय से इस पार्क की हालात जो है, इस पार्क के नहीं लगभग यहाँ पर जितने भी वार्ड में 25 में जितने भी पार्क हैं सबकी हालत बिल्कुल बेकार है। क्या बताओगे गुरदीप जी, पार्क की सफाई को देखकर क्या हालत लग रही है? सभी दर्शकों को नमस्कार। साथियों, ये पार्क जो है ये MCD का पार्क है। निगम में पिछले 17 साल से भाजपा की सरकार है और यहाँ पे पिछले 4.5 साल से भाजपा की निगम पार्षद है। लेकिन दुर्दशा देख लो, जिस प्रधानमंत्री जी का ये कहते हैं स्वच्छ भारत, लेकिन ये स्वच्छ भारत इस तरीके से होता है, कोई झाड़ू लगाने वाला नहीं। सिर्फ ये इस पार्क की बात नहीं है, जितने भी वार्ड 25 के पार्क हैं अधिकतर पार्कों में यही बुरा हाल बना हुआ है। तो लेकिन आने वाले जो समय में MCD के चुनाव है, जनता ने पूरी तरह इनको परख रखा है और जनता पूरी तरह चाहती है कि इस बार भाजपा की सरकार को खाड़ के फेंक के MCD में भी केजरीवाल जी को लाना है, ताकि जिस तरीके से केजरीवाल जी ने दिल्ली में काम करे वही MCD में काम करेंगे। नालियों की सफाई, गलियों की सफाई और पार्कों की सफाई अपने ही प्रयासों से। अब जब यहाँ पे नहीं काम कर रहे तो जनता ने हमारे को संपर्क करा, तो अपने ही प्रयासों से अपने ही लोग लगा के यहाँ पे सफाई की व्यवस्था करवा रहे। मुझे ये चीज समझ में आ रही है गुरदीप जी की, माना कि आप यहाँ पर आज सफाई करवाने आए हो, लेकिन इलेक्शन के टाइम पे आप लोगों को याद आता ही है? नहीं, इलेक्शन के टाइम पे नहीं, जब लोग इलेक्शन के आ रहे हैं, 4 महीने के बाद इलेक्शन है, तब आपको याद। 4 महीने बाद इलेक्शन है, लेकिन लोगों ने जनसंपर्क करा तो दूसरी बात। आप इतने टाइम से नजर में नहीं डाल रहे थे कि यहाँ पर हालात खराब है? दूसरी बात, अगर इतने टाइम से नजर में नहीं डाल रहे थे कि हालात खराब है? अगर आप देखेंगे, अगर मेरी फेसबुक के माध्यम से भी और भी अन्य पोस्ट के माध्यम से, लगातार हम कई महीनों से, लेकिन हमारे पास संसाधन की कमी है। क्या कमी है ना हमारे पास कोई लेबर होती है। आज लेबर मिल गई अपने प्रयासों से। दिनेश जी, वही पूछ रहा हूँ कि इतने टाइम से कहाँ थे आप? मैं कहता रहा हूँ दिनेश जी, अपने प्रयासों से पहले भी करते आए हैं। मैं देवी बोला ना, फेसबुक के अगर आप पीछे की स्टोरीज पे जाओगे और पीछे की पोस्टों पे जाओगे, इतने पार्क हैं, 100 से ज्यादा पार्क हैं, तो संभव नहीं हो सकता कि अपने प्रयासों से सारे पार्क हैं। तो ये अक्सर ये देखने में जरूर आया कि इलेक्शन के टाइम पे सारी पार्टियां शुरू हो जाती हैं, कहीं ना कहीं वोट की चिंता भी रहती है, कहीं ना कहीं सीट की चिंता भी रहती है। हालांकि ठीक है, ये काम जो है निगम पार्षद संदीप कनिका जैन का है, जो यहाँ पर इस समय निगम पार्षद बनी बैठी है, और इस समय अगर कोई भी प्रतिनिधि क्षेत्र में या पार्क की सफाई कराने आता है तो वाकई वो एक अच्छा काम है। अगर वोट की चिंता, मास्क लगा के रखो पहले। अगर वोट की चिंता होती तो सभी को चिंता होनी चाहिए। आपको वोट की चिंता नहीं है? तो मैंने कहा ना, लोगों ने संपर्क करा, तो लोग जब भी संपर्क करेंगे जगह जगह पे हम करवाते रहते हैं। मैंने संपर्क करा आपसे, मैं बता रहा हूँ ना, क्योंकि मैं कई बार यहाँ पर निगम पार्षद को इस विषय पे बता चुका हूँ, लेकिन जब उनकी कान पे जूनी रेंग रही तब मैंने हार थक के विपक्ष पार्टी को फोन किया, और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि उनके एक फोन करने मात्र से यहाँ पर आज सफाई यहाँ पर हो रही है। लेकिन ये भी बड़ा दुर्भाग्य हम लोगों का कि इनको पहले नहीं पता था कि यहाँ पर सफाई नहीं हो पा रही थी। नहीं देखो, सफाई का जिम्मा जिसके सरकार, जनता ने जिसको चुन के भेजा, जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी उनकी है ना। अब वो पूरी तरह विफल हो रहे हैं, और जनता ने चाहा है कि जिस तरीके से केजरीवाल जी ने दिल्ली में काम करे, जनता ही चाहती है। आप यहाँ से पूछ लो, जनता ही चाहती है, क्योंकि MCD में भी अगर केजरीवाल जी आएंगे तो डबल इंजन की सरकार बनेगी और बेहतर तरीके से हम दिल्ली को स्वार्थ कर सकेंगे। तो इसलिए ये तरीका हमारा यह है कि जितने भी पार्क हैं, जहाँ जहाँ लोग हमारे से संपर्क करते हैं और जितनी हमारी क्षमता होती है, क्योंकि 100 से ज्यादा पार्क है दिनेश जी, तो सब जगह नहीं हो सकता कि हम सब जगह चले जाएं। अच्छा, चलो जितना संभव। अभी जनता देख रही है आपको, यहाँ की जो जनता है वो भी देख रही है, ये सफाई आज होगी या निरंतर करवाओगे? नहीं, ये सफाई जब तक ये पूरी तरह पार्क क्लीन नहीं हो जाएगा। आप देखो, सफाई चालू हो चुकी है हमारी। मैं क्या पूछ रहा हूँ, आज आपने सफाई शुरू करी, कल ये सफाई खत्म हो जाएगी, कल बिल्कुल साफ हो गया, ये निरंतर करवाओगे या सिर्फ आज और कल करा के चले जाओगे? मात्र 3 महीने बचे इनको जाने के लिए, ठीक है, भाजपा की सरकार को जाने के लिए यहाँ के निगम पार्षद। तब तक कराओगे, उसके बाद नहीं कराओगे? मतलब उसके बाद हमारी सरकार हमारे हाथ में आएगी, तो सारे संसाधन हमारे हाथ में होंगे, तो दावा करके जाते हैं
एक एक पार्क को निखार देंगे हम। नहीं नहीं नहीं, मैं जीतने की बात नहीं कर रहा अभी। मेरी बात समझो, मेरी बात समझो, ये राजनीतिक बातें, गोल गोल घुमाने वाले काम मत करो। मेरे को क्लियर मेरी बात सुनो, पहले ये बताओ आज और कल करवा के जाओगे ये वादा कर रहे हो, या सिर्फ जब तक इलेक्शन खत्म आपके जो है आने जाते चार महीने तब तक कराओगे? लगातार जब जब जनता संपर्क करती रहेगी कि आप दोबारा संपर्क, बार बार कोई फोन नहीं करेगा। अब आज मैं आपको बताता हूँ, हमारी जिम्मेदारी बनेगी कि हम कब तक कराओगे? जब तक हमारा संभव प्रयास होगा पूरी तरीके से जनता के साथ में और हमेशा करवाते रहेंगे। ये राजनीतिक फिर गोलमोल वाली बात होगी, ये संभव होगा प्रयास होगा? नहीं नहीं, मेरे को क्लियर बताओ कराओगे नहीं कराओगे? बार बार करवाते रहेंगे, यही तो कहा है, बार बार करवाते रहेंगे। पार्क गंदा नहीं दिखना चाहिए दोबारा? नहीं, जिम्मेदारी तो उनकी है, लेकिन हमने अपनी नैतिक जिम्मेदारी आज से निभा रहे कि भाई 3 महीने बाद तो हो जाने वाले हैं, लेकिन आज से हम मानते हुए कि विधायक महेंद्र गोयल जी के नेतृत्व में जितने भी पार्क हैं उनका बीड़ा आगे उठाते हुए। ये बात मेरे को वाकई पसंद आई कि जब तक चुनाव आज जाते चाहे ये पार्टी जीते या हारे, तब तक ये इस तरह से जो है वार्ड 25 की मैं बात कर रहा हूँ, वार्ड 25 में ये सफाई अभियान इस तरह से जारी रहेगा। अगर फिर भी क्षेत्र का ये पार्क में गंदा मिला तो मैं फिर इनकी टांग खींच दूंगा एक बार। टांग खींचने वाली बात, क्योंकि मीडिया का काम है ना पक्ष की बात करना ना विपक्ष की बात करना, सीधा निष्पक्ष बात करना, और मैं वही काम कर रहा हूँ। बहुत नहीं, टांग खींचने वाली बात नहीं, जब जब हमारे को लगेगा कि जहाँ जहाँ हमारी जरूरत है। मेरी टांग खींचने से काफी बंदे परेशान भी हैं इस समय, वो उनको परेशानी होती होगी। वीडियो देखते हो मेरी वाली? उनको वीडियो देखते हो? देखो जो काम, वीडियो देखते हो जो पूछो? बिल्कुल देखते हैं, बहुत बढ़िया। जो परेशान परेशान वो होता है जो काम नहीं करता। इस समय तो काम करने वाला व्यक्ति होता है, कभी परेशान नहीं होता वो, आगे बेहतर। अब देखो ये तो समय बताएगा कि आप काम कराओगे नहीं कराओगे, जनता देखेगी। वो तो जनता ने देख रखा है और जनता ने ही कहा, जनता तो देख रही है क्या हालात है। उम्मीद जनता की जब सारी उम्मीदें खत्म होगी तभी वो हमारे पास आए ना। अक्सर उम्मीद दिलाने के लिए नेता यहाँ पर लगातार आते रहते हैं, आज आप आए हो? नहीं, पहले भी आते रहे हैं, मैंने ये बोला ना। आयो पहले बताओ, यहाँ पे मैं पूछता हूँ, आओ इधर। आज से पहले आई है सफाई के लिए? आज से पहले आए थे इधर हमारे। कितनी बार फिर ये हालात ऐसे क्यों? हमारे यहाँ हो रहा था सत्संग तो ये आए थे एक बार। आप बताओ आज से पहले सफाई हुई इस पार्क की? सफाई तो कनिका ही करवाती थी आज से बाद। आप बताओ आज से पहले यहाँ पे पार्क की हुई सफाई? सफाई होती है अपने, इनको तो जब हम संपर्क करेंगे हमें पता लगा तभी तो बुलाया ना। जैसे तो यहाँ पर देखिए जब संपर्क, बिल्कुल जब संपर्क होता है तब इस तरह से जो है नेता यहाँ पर आते हैं और कर्मी आते हैं सफाई करके चले जाते हैं। आज ये वादा किया जा रहा है कि जब तक जो है, सुनो आपका भी आज पता लग रहा है आप मीडियम हो, हमें तो ये भी नहीं पता तुम पड़ोसी मीडियम हो। तो यहाँ पर जो है इन्होंने वादा किया है कि जब तक, और वाकई ये चीज अच्छी है कि जो काम पार्षद का है वो आज यहाँ पर विपक्ष पार्टी के जो है कार्यकर्ता आकर के काम करा रहे हैं, और आने वाले समय पर भी ये बता रहे हैं कि जब तक इलेक्शन नहीं होता या इस तरह की अगर सफाई जो है यहाँ पर व्यवस्था खराब रहती है तो निरंतर यहाँ पर सफाई अभियान के तहत यहाँ पर सफाई जो है होती रहेगी। और कुछ कहना चाहेंगे जनता को? नहीं, जनता को यही है कि जब पूरी जनता ने दिल्ली में मूड बना रखा है कि केजरीवाल जी के हाथों में दिल्ली की एमसीडी देनी है, और हमारा भी पूरा प्रयास है कि जब तक ये एमसीडी वाले हैं और जब तक ये काम नहीं करते तो हमने अपने पूरे हाथ में बीड़ा उठा रखा है, एक एक पार्क की जाके सफाई करवाएंगे, जितनी बार भी जनता बुलाएगी उतनी बार सफाई कराएंगे। चलिए ये तो आने वाला समय बताएगा कि सफाई किस तरह से रहेगी या पार्क की दुर्दशा इसी बनी रहेगी, ठीक है ना। तो यदि दर्शकों आपको ये खबर हमारी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय और विचार जरूर दें, और लाइक और शेयर जरूर करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं दिनेश कैमरामैन नीतू रॉय के साथ सीसीएन न्यूज।